Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब उनके करीबियों पर यूपीएसटी अपने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपीएसटी अपने मुख्तार के करीबी यानी कि जुगनूवालिया को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जुगनूवालिया रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। इस मामले में यूपीएसटी अब जुगनूवालिया की तलाश कर रही थी। जुगनूवालिया की लोकेशन यूपीएसटी को पंजाब में मिली थी, जिसके बाद अपने शुक्रवार यानी कि 5 मई को शाम जुगनूवालिया को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कौन है बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी जुगनूवालिया। जुगनूवालिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के आलमबाग के रहने वाले हैं। जुगनू और पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेहद खास है। बता दें कि जुगनू सूद पर रुपए चलाने का धंधा करते हैं और कई मामलों में वो लगातार वांछे चल रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जुगनू के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, बीते 25 अक्टूबर की देर रात जुगनू ने आलमबाग के चंदन नगर इलाके में रहने वाले जसविंदर सिंह उर्फ रोमी की हत्या कर दी थी। जसविंदर सिंह का चिक चिक नाम से रेस्टोरेंट है। इस मामले में जुगनूवालिया फरार चल रहा था। हत्या के मामले में फरार जुगनूवालिया की गिरफ्तारी न होने के चलते आलमबाग पुलिस ने 16 मार्च को उसके घर पर कुर्की भी की थी। इस दौरान जुगनूवालिया के घर से लाखों रुपए कीमत का सामान भी जब्त किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की शाम को जुगनूवालिया के पंजाब में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने उसे खरार इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। पुलिस ने उसे पंजाब की कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट लिया और अब उसे यूपी में लाया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी। मुख्तार अंसारी के करीबी जो जुगनूवालिया है, उसको यूपीएसटी अपने पंजाब से धर दबोचा है। बाकी इस पर आप अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए।